कबीरगंज एसएस ज्वेलर्स लूट कांड का पर्दाफाश, 4,36,000 रुपए नगद, 7 किलो सोना और ज्वेलरी के साथ 4 गिरफ्तार। DN20 पटना। पाकड़गंज स्थित सोने की दुकान में लूट की घटना का आज पुलिस ने पर्दाफाश किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक मानवजीत सिंह ढिल्लो ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि पटना के पाकड़गंज में एसएस ज्वेलर्स स्वर्ण व्यवसायी की दुकान से 14 करोड़ लूट कांड के मामले में 4 आरोपितों को 4,36,000 रुपए यूं तकरीबन 7 किलो सोना और आभूषण के साथ गिरफ्तार किया गया है। एक अपराधी लूट की घटना के दिन ही गांधी मैदान थाना अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। अब तक कुल 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। आज दो इम्पोर्टेंट केसेस का पीसी है, एक तो अपना पाकड़गंज वाला जो एसएस ज्वेलर्स वाला लूट कांड का था, और एक आपको जानकारी होगी आलमगंज में एक हाईलाइट केस हुआ था, एक उषा रानी नाम के जो किलर है उनकी हत्या। तो पहला है जो पाकड़गंज की घटना हुई थी, आप लोग सभी अवगत हैं कि पिछले शुक्रवार को तकरीबन 2 बजे 4 हथियारबंद अपराधकर्मी एसएस ज्वेलर्स वहाँ पे घुस के उन लोगों ने लूट किया था गहनों का और कैश का, जिसमें एक अपराधकर्मी साधु यादव जो कि जहानाबाद का रहने वाला है उसी दिन पकड़ा गया था। इस लूट क्रम में टोटल 3 बैग निकले थे जो कि सीसीटीवी फुटेज से स्पष्ट थे। 2 पिट्ठू बैग थे जिसमें आपके सारी ज्वेलरी थी और एक झोला था जिसमें कैश था। पहला पिट्ठू बैग उसी दिन रिकवर हो गया था और उसी दिन ही जो दुकान के मालिक हैं संजीव जी उनको हैंड ओवर कर दिया गया था। जो दूसरा पिट्ठू बैग था वो कम्प्लीट उसका रिकवरी हो गया है, जिसमें तकरीबन 7 kg के अराउंड ज्वेलरी और सोना था। इसके अतिरिक्त 4,36,000 रुपया कैश में रिकवर हुआ है जो कि झोला में है। कुछ कैश तकरीबन जो ये संख्या अमाउंट बता रहे हैं 1.25 लाख का कि वो इन लोगों ने अपना खर्च कर लिया। इस कांड में टोटल 4 लोग अंदर गए थे जिसमें चारों की गिरफ्तारी हो गई है। एक की गिरफ्तारी जिसमें आपको बताया है साधु यादव की ऑन द स्पॉट हुई थी। उसके अलावा उसके और एसोसिएट्स हैं जिसमें एक का नाम है आकाश ओझा उर्फ सनी कुमार जो कि सिरपतपुर पटना इसका रहने वाला है। एक अपराधकर्मी का नाम सोनू कुमार केसर सुरेंद्र प्रसाद जो कि जगतपुरा का रहने वाला है। एक अपराधकर्मी राजू केवट उर्फ सोनू जो कि बलाचक कुटिया जहानाबाद नगर थाना का रहने वाला है। इस पूरे अपराध का जो षड्यंत्र था जो एसएस ज्वेलर्स के मालिक हैं संजीव जी उनके यहाँ पे उनके एक परिचित थे जो कि उनके यहाँ से आके सोना लेते थे। वो होलसेलर का काम करते हैं जहानाबाद में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स करके उनकी छोटी सी सुनार शॉप है मेन रोड जहानाबाद पे। राजेंद्र प्रसाद उनका नाम है और रंजीत प्रसाद का जो बेटा है नितेश कुमार तो अपने पिता के साथ इस यहाँ पे आता था बाकरगंज में एसएस ज्वेलर्स के पास आता था और यहीं से वो लोग अपना होलसेल वाला जितना भी उनको ऑर्नामेंट्स का और सोना लेके जाता था क्योंकि ये जहानाबाद का रहने वाला था। तो स्मैक पीने के क्रम में और गांजा पीने के क्रम में जो जहानाबाद के बाकी दो अपराध करते थे राजेश राम और राजू केवट करके उनके साथ ये पहले से परिचित था, एक साथ ही लोग स्मैक और गांजा पीते थे। उसी क्रम में उन्होंने इसको बोला कि तुम सुनार हो हम लोगों को कोई अच्छा काम दो। इसी में ही इसने फिर लाइनिंग किया क्योंकि ऐसे स्कूलर जिसके पिताजी का आना जाना था। इन लोगों का ये था कि इन लोगों का जो पूरा इन लोगों ने अपना जो कन्फेशन किया है कि जब इन्होंने रेकी किया और उसी दुकान को इससे सेलेक्ट किया कि वो थोड़ा सा अंदर जाके थी और आम लोगों की नज़र से दूर रहती थी। दूसरा इन लोग मालूम था कि होलसेलर की दुकान है तो अगर दो का हम लोग बोलेंगे तो हो सकता है कि हम लोगों को अंदर नहीं जाने थे। तो उसी में ही ये जो नितेश जो लाइनर है उसी का ही इन्होंने फिर सारी सूचना का उपयोग किया। ये फिर होलसेलर के नाम से अंदर गए कि हम लोगों को नया दुकान खोलना है और हम लोगों को खुदरा में हम लोगों को चाहिए थी उसका एंट्री हुआ। और जब ये दो अपराधकर्मी अंदर थे वहाँ से फिर जब इनको ज़रूरत पड़ी कि दो और की आवश्यकता है तो इनका कोड मोबाइल लोगों ने ऑन करके रखा हुआ था और वहीं फिर उन्होंने कोड दिया। पहले से इन लोगों का आपस में ये था सेटिंग थी कि हम लोग बोलेंगे कि पानी पिलाओ। उन्होंने जब पूछा अंदर पानी पिलाओ तो बाहर वालों दोनों को पता चल गया कि अंदर आने की बारी है। तब तक इन्होंने गेट को खोल के रखवाया हुआ था और वो तो अंदर घुसे तकरीबन 10 मिनट ही अंदर रहे हैं जिसके क्रम में इन लोगों ने पूरा घटना को अंजाम दिया। इस पे जो जितना भी अभी तक रिकवर हुआ है अभी जो इनके वादी हैं जो कि संजीव राय जी हैं स्पीकर से उनको हम नोटिस देके पूरा स्टॉक वेरिफिकेशन करवाने के लिए क्योंकि उन्होंने एफआईआर में लिखा था कि 35 kg सोना है और 14 लाख कैश है तो पूरा हम लोग इन्वॉइस मांग रहे हैं उनका जो पूरा स्टॉक रजिस्टर उसके हम लोग कॉपी मांग रहे हैं और जो पिछले 5 वर्ष का उनका IT रिटर्न्स और GST रिटर्न्स है वो मांग रहे हैं ताकि उनके पूरे स्टॉक का हम लोग सत्यापन करा पाएँ और वो हमें इसमें कॉपरेट भी कर रहे हैं।
और ये बाकरगंज वाली घटना है। इसमें हमारी तरफ से इसका संपूर्ण उद्भेदन हो चुका है। विद इन 48 आवर्स सभी के सभी अपराधकर्मी पकड़े गए हैं। अब कोई और वंचित अभियुक्त नहीं है। लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।